मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। पीएम मोदी की जमुई में सभा के बाद क्या पशुपति कुमार पारस अपने सुर बदलेंगे? क्या पशुपति कुमार पारस अपनी विरासत छोड़ देंगे? आज पशुपति कुमार पारस की अहम बैठक उनके पार्टी कार्यालय में होने वाली है। 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब क्या होगा पशुपति कुमार पारस की आगे की रणनीति, आइए बात करते हैं हम अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा जी से। आशुतोष जी, बिल्कुल, देखिए कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं तब से जब से खास तौर पर पीएम मोदी ने जमुई में सभा की है। चिराग पासवान के बनोई अरुण भारती के लिए वोट मांगा है और वहां पर जो उन्होंने स्पीच दी है, जो संबोधन किया है अपना, वो जाहिर तौर पर चिराग के लिए तो अच्छी बात है, इंकरेज करने वाला है, उत्साह वर्धन करने वाला है, लेकिन एकदम क्लियर कट है, जाहिर तौर पर ये पशुपति पारस को अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि एक तो पहले आपने सारी सीटें दे दी चिराग पासवान को, उसके बाद अब भरे मंच से आपने ये भी कह दिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि रामविलास पासवान की विरासत अच्छे से संभालने वाले पशुपति पारस नहीं बल्कि चिराग पासवान है। दरअसल उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई चुनाव नहीं था जब वो रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में बिहार में लड़े हों, तो ऐसा पहली दफा है जब हमारे, उन्होंने अपने स्पीच में सारी लाइनें कही थी कि हमारे परम मित्र रामविलास पासवान, ऐसा पहली बार है जो चुनाव हो रहा है जिसमें रामविलास पासवान के बिना मैं आप लोगों के बीच में हूँ और उनकी कमी खल रही है, लेकिन मुझे संतोष है कि रामविलास पासवान के विचारों को हमारे छोटे भाई चिराग पासवान अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये लाइन जरूर चुभी होगी पशुपति पारस को या प्रिंस राज को, और जो आज की बैठक, जो आपने कहा कि बैठक हो रही है, तो हो सकता है इस बैठक में भी इस बात की चर्चा हो, इस पर मंथन हो कि आखिर हम लोग की तरफ से, यानी पशुपति पारस और प्रिंस राज की तरफ से, तो लगातार एनडीए में आस्था जताई जा रही है, पीएम मोदी के प्रति समर्पण भाव दिखाया जा रहा है, मोदी का परिवार कहा जा रहा है, सरनेम लगाया जा रहा है, लेकिन बदले में मिल क्या रहा है उन्हें? बदले में पहले मतलब जीरो पे बोल्ड किया गया इनकी पार्टी को, और अब रामविलास पासवान की विरासत भी इनडायरेक्टली चिराग पासवान के हाथों में, उस पर मुहर लगाने का यानी सर्टिफिकेट दे दिया प्रधानमंत्री मोदी ने भी कि रामविलास पासवान के असल उत्तराधिकारी हैं, तो फिर चिराग पासवान है। लोजपा मतलब रामविलास, बिल्कुल, लोजपा मतलब चिराग पासवान, चिराग मैं रामविलास पासवान, और रामविलास पासवान मतलब चिराग पासवान, चिराग पासवान। ऐसे में बिल्कुल मंथन होना भी चाहिए, मंथन हो भी रहा होगा, और इस मंथन का नतीजा क्या निकलता है वो 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पता चलेगा। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है आरएलजेपी के लोगों से, किसी को भी ये चीजें ऑफ कैमरा उन लोगों ने बताया, ऑन कैमरा नहीं, कि ये जाहिर तौर पर पशुपति पारस के लिए और चोट पहुंचाने वाला था, उनको एक तरीके से टीज करने वाला था, तंज कसने वाला था कि आखिर बदले में उन्हें मिल क्या रहा है। जाहिर तौर पर जब विनोद तावरे और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी प्रिंस राज और पशुपति पारस की, तो बहुत सारी कमिटमेंट हुई होगी, बहुत सारी ये बातें हुई होगी, लेकिन पशुपति पारस की आइडेंटिटी है, या पशुपति पारस खुद को भी ये कहते हैं कि हम रामविलास पासवान के ही राजनीति को, विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, और रामविलास पासवान के की संपत्ति पर उनके पुत्र का अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन राजनीति पर उनका अधिकार है,
असल में उत्तराधिकारी राजनीतिक रूप से वो है, लेकिन पीएम मोदी ने जब ये कह दिया है तो फिर उनके पास क्या बचता है? अब क्या उनकी राजनीति खत्म हो गई है, या पीएम मोदी की तरफ से ही ये डायरेक्शन था कि रामविलास पासवान के असल उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही है तो उन्हीं को ये विरासत सौंपी जाए, और इसी वजह से 5 सीटें उनको दी गई, 2 सीटें इनको नहीं दी गई? और जैसी बात है तो फिर पशुपति पारस को साथ लेकर चलने का क्या मतलब बनता है? और पशुपति पारस साथ चलने के पीछे की भी मतलब सोच से परे है कि आखिर चल क्यों रहे हैं वो प्रिंस राज या वो हो गए? लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज होता है, सब कुछ, इसलिए हम बोल रहे हैं। चुट्टी देखिए, पशुपति पारस हो या प्रिंस राज हो, खासतौर पर पशुपति पारस ने तमाम संभावनाएं तलाशी वहां पर, महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में, कांग्रेस से भी बात करने की कोशिश की, आरजेडी से भी संपर्क साधा, लेकिन कहीं से भी कुछ उनको मिला नहीं। तब जाकर के लोजपा रामविलास के लोगों का ये आरोप है, तब जाकर के वो फिर से पीएम मोदी में अपनी आस्था जताए, या फिर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, विनोद तावड़े से मुलाकात हुई। पहले उन्होंने विकल्प की तलाश की थी और उन्होंने बोला भी था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारे विकल्प खुले हुए हैं, जब तक सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब तक। बाद में उन्होंने जैसे ही सीटों का अनाउंसमेंट हुआ, मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दिया, उसके बाद मोदी का परिवार जो सरनेम लगाया था उसे भी हटाया, और फिर कई दिनों की चुप्पी के बाद, खामोशी के बाद, जब कहीं से भी कोई बात नहीं बनी, तब जाकर के फिर से वो एनडीए में सटते हुए नजर आए, या एनडीए के प्रति आस्था जताते हुए नजर आए, और 40-40 सीटें जीतने की बात कहने लगे। मतलब एनडीए से निकलने का वो पूरा प्लान तो उनका तैयार था, इसी क्रम में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। प्लानिंग तो उनकी निश्चित रूप से एनडीए से अलग होने की थी, कहीं उनको भाव नहीं दिया गया तो फिर वो मोदी के परिवार में शामिल हुए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही आरोप तो यही लगाया जा रहा है एलजेपी आर की तरफ से भी या उनके विरोधियों की तरफ से भी जी। और प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए वो, यानी कि किसी ने तवज्जो नहीं दी जी। और प्लानिंग बिल्कुल थी और एक प्रेशर बनाने की भी कोशिश थी, तो ना प्रेशर बीजेपी ने लिया, प्रेशर बनाने में वो कामयाब रहे बीजेपी पर या एनडीए पर, और ना ही इधर अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। तो यही वजह है कि थक हार कर वो वापस लौटे हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कुछ स्कोप बचता नहीं है। अब एक ऐसे ही ट्रस्टेड सहयोगी की तरफ से, ईमानदार सहयोगी के नाते, या फिर रामविलास पासवान के छोटे भाई के नाते, एक राजनीति से अब संन्यास की तरफ बढ़ रहे नेता को कुछ न कुछ बीजेपी अपनी तरफ से दे दे तो वो एक मतलब रिवार्ड हो जाएगा, एक सम्मान हो जाएगा, बाकी कुछ बचता नहीं है। तो हो सकता है कि आज की बैठक में इन सब चीजों पर भी मंथन हो, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है। लेकिन जो स्थिति है फिलहाल, और जो बॉडी लैंग्वेज है, और जो आरएलजेपी के नेताओं से बात हो रही है, उस मुताबिक ये भी हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा डिसीजन लेने की स्थिति में आज की तारीख में भी पशुपति पारस नहीं है, यानी एनडीए में बने रहेंगे। ये हम कह सकते हैं कि एनडीए में ही वो फिलहाल रहेंगे, चाहे ऐसी कोई और बातें भी हो तो भी। पाठक जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद।